नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशा। नेशनल टुडे 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर देखें उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से। फिरोजाबाद के थाना जसराना क्षेत्र के नगला राबरी में जमीनी रंजिश के चलते चचेरे भाइयों ने किशोर कुमारी गोली, गंभीर घायल अवस्था में उपचार के लिए आगरा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। रविवार की देर शाम को नगला राबरी में उस वक्त सनसनी फैल गई जब ताऊ और चचेरे भाइयों ने 15 साल के शिवम यादव को गोली मार दी। बता दें, शिवम की गोली पैर में जा लगी व गंभीर रूप से घायल हुआ। आरोप है कि श्री कृष्ण और उसके बेटों से जमीनी रंजिश थी, जिसको लेकर 2 दिन पूर्व झगड़ा भी हुआ था। आज गोली मार दी। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है और घायल को उपचार के लिए फिरोजाबाद के ट्रॉमा सेंटर से आगरा मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया गया है। घायल किशोर की हालत बता दें बेहद नाजुक बनी हुई है। फिरोजाबाद से ऋषि पंडित की रिपोर्ट। विजय सिंह, क्या बात हो गई थी? लड़ाई चल रही थी, खेत का विवाद था। ये हमारे ताऊ है, उन्होंने कहा था उनकी कोई बाग बच्चा नहीं है, तो उन्होंने वसीयतनामा कर दिया। सो वसीयतनामा कर दिया तो इस वजह से मेरे बड़े दाऊ का लड़का क्या कहते हैं सिंटू और क्या कहते हैं श्री कृष्ण और बंटू और क्या कहते हैं बंटू इन्हों और क्या कहते हैं झगड़ा किया था और उस विवाद पर चल रहा था। सर आज पता नहीं, आज मेरा भाई खाना लेने नहीं आता तो उसके रोटी मार गोली मार दी है। हाँ, की बात है नगला राबरी। फिरोजाबाद से मक्खनपुर के रतन प्रकाश गुप्ता, भावी प्रत्याशी नगर पंचायत की तरफ से सभी देशवासियों को हिंदू नववर्ष व नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रसाद राठौर, पूर्व प्रधान गंगा नेताजी, बांसवली वाले जिजौली ग्राम प्रधान। मैं नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं ग्रामवासी नगर पंचायत को देता हूं और आने वाले नवरात्रि को भी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जिला चिकित्सालय फिरोजाबाद डॉक्टर अभिषेक सिंह, दंत रोग विशेषज्ञ की तरफ से आप सभी देशवासियों को हिंदू नववर्ष व नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं उमाकांत गुप्ता, मंडल उपाध्यक्ष मक्खनपुर। सभी मक्खनपुर नगर पंचायत वासियों को मेरी तरफ से हिंदू नववर्ष व नवरात्रि की शुभकामनाएं। जिला चिकित्सालय फिरोजाबाद डॉक्टर रोहित यादव, दंत रोग विशेषज्ञ की तरफ से सभी देशवासियों को हिंदू नववर्ष व नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं।